गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बीए थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर प्रादेशिक भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में हमने पिछली वीडियो में प्रदेश के बारे में पढ़ लिया है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकार चल रहे हैं प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर। आज हम मानसूनी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। मानसूनी प्रदेश, जिसको मानसून रीजन भी कहते हैं, अगर मानसूनी प्रदेश की बात करें तो इसका जो मुख्य विस्तार है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका का पश्चिमी गियाना तट, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। वैसे तो आप सभी ने मानसून के बारे में पढ़ ही रखा है। ये मानसून का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर पड़ता है वो सारे मानसून प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अपने भारत में भी जो अगर हम बात करें ग्रीष्म काल की, तो अपने भारत में जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है वो हमें मानसून से ही मिलती है। जो अपने अगर भारत में अगर बात करते हैं तो यह जून में शुरू हो जाता है, और अगर अपने राजस्थान की बात करें तो यह जुलाई में आके प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आज हम उसी मानसून प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के अलावा और किस किस जगह पर जो है मानसून का प्रभाव पाया जाता है, या फिर ये जो मानसून भारत के अलावा विश्व में और किन जगह को प्रभावित करता है, वो सारे आज हम मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें, इसका द्रातलीय स्वरूप देखें, तो जो मानसून है वह द्रातलीय स्वरूप के अंतर्गत क्या है, उसके अंदर पर्वत पठार भी आ जाएंगे, नदी की घाटियाँ भी आ जाएंगी, मैदान भी आ जाएंगे, दक्षिण का पठार भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें जो तटवर्ती द्वीपमालाएँ हैं वह सब भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का एक एरिया था, भूमध्य सागर का एक एरिया था, तो उसमें तो क्या था कि एक फिक्स एरिया था कि इतनी जगह पर ही पाया जाता है। लेकिन ये मानसून का प्रभाव क्या है कि मानसून जैसे आता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसी के आधार पर क्या है कि ये एक जगह फिक्स नहीं होता है, इसका क्या है अलग अलग वितरण पाया जाता है। अगर हम देखें इसमें जलवायु दशाएं कैसी होती हैं, तो जलवायु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि यहाँ पर क्या है सघन जो क्षेत्र है, सघन है तो ये गर्म जल्दी हो जाता है, और इसके गर्म जल्दी होने के कारण जो क्या है उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और जो हिंद महासागर की पवनें होती हैं वो क्या है इस तरफ आनी शुरू हो जाती है, और उन पवनों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से होती हैं, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो ग्रीष्म काल होता है या बसंत काल की बात करते हैं तो उस समय यहाँ पर भारी वर्षा होती है। अगर हम देखते हैं कि मानसून जो है तो ये अपने यहाँ पे भी ग्रीष्म काल में ही आता है, तो ग्रीष्म काल में ये क्या है भारी वर्षा करता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तापमान की, तो तापमान जो है वो है उष्ण कटिबंधीय, अगर मानसूनी जलवायु की बात करते हैं तो वहाँ पर जो औसत तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में ये 20 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो लोह तत्व है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो इसके कारण यहाँ की जो मिट्टी का रंग है वो भी कैसा होता है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्या है कि मिट्टी को कई भागों में भी बांटा गया है, जैसे इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी पाई जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी है इसका विस्तार मुख्य रूप से इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय लाल पीली मिट्टी है इसका विस्तार अगर हम देखें तो ये भारत और चाइना हो गया, इसके अलावा इसके आसपास वाला जो एरिया हो गया कंबोडिया हो गया, तो फिलीपींस हो गया, यहाँ पर ये मुख्य रूप से मिलती है। थर्ड नंबर पर देखें तो चेस्टनट भूरी मिट्टी, जो चेस्टनट भूरी मिट्टी है इसका विस्तार अफ्रीका और उत्तरी पश्चिमी चीन में मिलता है। और इसके अलावा एक जो चौथा प्रकार है वह है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी के बारे में आप लोगों ने भी पिछली वीडियो में ही चर्चा की थी, और इसके अलावा भी अगर आपको बता दें तो जो मरुस्थल मिट्टी का विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलता था, थार का मरुस्थल हो गया और चाइना का कुछ भाग हो गया जो मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर क्या है मुख्य रूप से ये मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें जीव संपदा कि यहाँ पर जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से जो पक्षी चमगादड़ है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। चमगादड़ के अलावा भी यहाँ पे और कई पक्षी पाए जाते हैं जिनमें स्तनधारी भी शामिल किए जाते हैं, सरीसृप हो गए, पेड़ों पर चढ़ने वाले बंदर हो गए, तो ये सारे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो पक्षियों की तीन श्रेणियाँ यहाँ पर मिलती हैं, वो तीन श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं,
टॉल आर्कटिक जीव वर्ग हो गया, ओरिएंटल जीव वर्ग हो गया और ऑस्ट्रेलियन जीव वर्ग हो गया। तो ये तीन जीव वर्ग पाए जाते हैं जो जीव संपदा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि में क्या है, खाद्यान्न फसलें हो गई, रेशेदार फसलें हो गई, पेय पदार्थ हो गया। व्यापारिक फसलों में अगर हम बात करें तो व्यापारिक फसलों में हम देखते हैं चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना, तिलहन, गेहूँ, ये सारी क्या है फसलें पाई जाती हैं। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जो मानसूनी एरिया होता है वहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेन फसलें हैं जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है तो वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जिसमें खाद्यान्न, रेशेदार, ये सारी फसलें शामिल होती हैं। इसके अलावा अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज संपदा भी यहाँ पर मिलती है। खनिज संपदा में अगर देखते हैं तो जैसे कोयला हो गया, जो कोयला है वह चीन और भारत में मिलता है। और अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है वो चीन के मुख्य रूप से चीन के सिक्यांग प्रदेश में हो गया, भारत में जैसे असम हो गया, गुजरात हो गया, तो इन प्रदेशों में क्या है ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई खनिज संपदा मिलते हैं लेकिन कोयला और पेट्रोलियम जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। तो ये था अपना मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश के साथ ही आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट PDF में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।